नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पी एस ऑनियर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन मैथ्स हेड बुक पेज नंबर 54, 55, 56 एंड 57, लेसन 4 शेप्स एंड पैटर्न। पेज नंबर 58 फाइंड द सर्कल्स कलर ईच डिफरेंटली। पेज नंबर 59 एक्सरसाइज 1 नेम द शेप्स, व्हाट डज शेप्स डू दीज हैव। And also we will write in maths written copy page number 29 जो आपको Mati app के on demand में दिया हुआ है। Let's get started. For that we are using maths ahead book page number 54. Lesson 4 shapes and patterns। यहाँ पर हम shapes यानी अलग अलग प्रकार के आकार और patterns यानी designs के बारे में सीखेंगे। Warm up। Objective: to introduce shapes, material required, a sheet of paper and scissors. Method: यहाँ पर हमको shapes देखने के लिए जो material चाहिए वो है एक ऐसा paper और एक scissor. Take a sheet of paper. What shape does it have? एक sheet, जब paper का sheet आप लेंगे तो वो कौन से shape में है? तो ये है रेक्टेंगल शेप में। फोल्ड इट लाइक दिस, कट ऑफ द मार्क्ड पार्ट। आपको इस तरीके से इसे बीच में सेंटर से फोल्ड करना है, तो वो इस टाइप का फोल्ड होगा और ये जो मार्क आ रहा है इतना पेपर आपका बचेगा जब आप बराबर में इसको फोल्ड करेंगे टर्न करके, तो इसको कट ऑफ करना है। ओपन इट आउट, व्हाट शेप डज इट हैव नाउ। रेक्टेंगल पेपर को लिया, ये बीच वाले बराबर के पोर्शन में इसको फोल्ड किया तो ये इतना एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है, इसको आप कट कर दिया तो ये कौन सा शेप बन गया? स्क्वायर। ये रेक्टेंगल था, ये एरिया कट कर दिया एक्स्ट्रा वाला, तो अभी किसमें टर्न हो गया? स्क्वायर। कट द अबाव शेप अलोंग द फोल्ड, व्हाट शेप्स डज यू गेट। अब यहाँ पर ये जो बीच का मार्क था इस पर भी हमने कट कर दिया पेपर को, तो अब ये कौन से शेप्स बन गए? ये बन गए ट्रायंगल। अब इसको यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे हम, पेज नंबर 55। तो सबसे फर्स्ट शेप कौन सा पढ़ा था हमने? रेक्टेंगल, ये वाला। दिस शेप इज अ रेक्टेंगल, इट हैज टू लॉन्ग साइड्स एंड टू शॉर्ट साइड्स, इट हैज फोर कॉर्नर्स। ये जो शेप है इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, इसकी दो लॉन्ग साइड्स होती हैं बराबर जो बड़ी होती हैं, और दो शॉर्ट साइड्स होती हैं जो बिल्कुल बराबर होती है लेकिन लॉन्ग साइड से छोटी होती हैं। तो दो लंबी और दो छोटी साइड्स होती हैं और इसके फोर कॉर्नर्स होते हैं, तो इसलिए इस शेप को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। पुट अ टिक ऑन ईच रेक्टेंगल, अब इसमें से कौन सा रेक्टेंगल शेप है उस पर टिक मार्क लगाना है, तो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल है। ट्रेस ओवर द रेक्टेंगल्स, यहाँ पर आपको इसमें से कौन से रेक्टेंगल शेप्स हैं उस पर ट्रेसिंग करनी है, तो ये जो ट्रेसिंग लाइन्स दी है आपको इससे ऐसा ट्रेस बनाना है, टू लॉन्ग साइड्स एंड टू शॉर्ट साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स। तो इसी तरीके से आपको आगे की सारी ट्रेसिंग करनी है। पेज नंबर 56, नेक्स्ट शेप इज स्क्वायर। दिस शेप इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर शेप है, इट हैज फोर साइड्स, इसकी फोर साइड्स होती हैं, दे ऑल आर इक्वल इन लेंथ, इट हैज फोर कॉर्नर्स, इसकी जो ये लाइनिंग्स जो साइड्स होती हैं ये सब चारों बराबर होती है, इसके फोर कॉर्नर्स होते हैं, तो ये 1, 2, 3 और फोर साइड्स बिल्कुल सब इक्वल साइज की हैं और फोर कॉर्नर्स है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर, पुट अ टिक ऑन ईच, इसमें से कौन सा स्क्वायर शेप है उसके ऊपर आपको टिक लगाना है, तो 1 ये है,
और ये भी स्क्वायर ही है। प्रेस ओवर द स्क्वायर्स, यहाँ पर ये जो स्क्वायर्स दिए हैं आपको इस पे प्रेसिंग लाइंस पे प्रेस करना है। वन साइड, टू साइड, थ्री साइड एंड फोर साइड। फोर साइड्स आर इक्वल एंड देयर आर फोर कॉर्नर्स। अब आपको इसी तरीके से बाकी ड्रेसिंग्स करनी है। नाउ नेक्स्ट शेप इज ट्राइंगल। दिस शेप इज अ ट्राइंगल, इट हैज थ्री साइड्स, इट हैज थ्री कॉर्नर्स। ये जो शेप होता है ट्राइंगल, इसकी थ्री साइड्स होते हैं, वन टू और थ्री, ये इस शेप में होता है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल। और इसके थ्री कॉर्नर्स होते हैं, वन टू एंड थ्री। पुट अ टिक ऑन ट्राइंगल्स, इनमें से कौन सा शेप ट्राइंगल है उस पर हमें टिक लगाना है। तो इसके भी देखिए थ्री साइड्स हैं और थ्री कॉर्नर्स हैं, तो ये ट्राइंगल है। इसके भी थ्री साइड्स थ्री कॉर्नर्स हैं, ट्राइंगल है, और ये भी टिक लगा दिया। ड्रॉ अ रूफ शेप लाइक अ ट्राइंगल ऑन द हाउस, यहाँ पर ट्राइंगल के शेप में हमें इस हाउस की रूफ यानी छत बनानी है। तो यहाँ पर हम थ्री साइड्स के साथ शेप बनाएंगे, वन टू एंड थ्री। ड्रॉ नोज शेप लाइक अ ट्राइंगल इन द फेस, यहाँ पर इस फेस में ट्राइंगल शेप नोज बनाना है, वन टू एंड थ्री। पेज नंबर 58, सर्कल। अब नेक्स्ट शेप है सर्कल। दिस इज अ सर्कल, इट इज राउंड, इट हैज नो कॉर्नर्स। ये सर्कल जो होता है ये गोल होता है, राउंड होता है, और उसके कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं। फाइंड द सर्कल्स कलर ईच डिफरेंटली, यहाँ पर कौन कौन से सर्कल्स हैं वो आपको ढूंढने हैं और उनके अंदर अलग अलग कलर्स भरने हैं। तो सर्कल्स कौन कौन से हैं, वन टू एंड थ्री। अब इसमें आपको अलग अलग कलर्स करने हैं। मैथ्स लैब एक्टिविटी टू, यूज दोज ऑब्जेक्ट्स टू ड्रॉ सर्कल्स हियर। Use these objects to draw circles on a sheet of paper. यहाँ पर आपको ये जो objects दिए हुए हैं इनके मदद से आपको एक sheet के ऊपर circles को draw करना है। आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे coin दिया है तो coin को रख के उसके पास में pencil चलाएंगे बाहर की तरफ sides में, तो circle बन जाएगा। ऐसे ही bangle, ये आपका pen, glass और ये can, सोडा कैन जो होता है वो है। तो यहाँ पे आप इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके इस टाइप से रखकर और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर करें या शीट पर करें। पेज नंबर 59, एक्सरसाइज वन, क्वेश्चन वन, नेम द शेप्स। यहाँ पर हमको इन शेप्स को नेमिंग देना है कि हमने कौन कौन से शेप्स पढ़े थे। ये जिसको राउंड होता है, जिसके कोई कॉर्नर्स नहीं होते, वो क्या कहलाता है, सर्कल। बी, वन टू थ्री फोर कॉर्नर्स एंड फोर साइड्स, इक्वल फोर साइड्स, ये है स्क्वायर। सी, टू लॉन्ग साइड्स, टू शॉर्ट साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स, ये है रेक्टेंगल। थ्री कॉर्नर्स एंड थ्री इक्वल साइड्स, ये है ट्राइंगल। ये सर्कल, ये ट्राइंगल। क्वेश्चन टू, व्हाट शेप्स डू दीज हैव, यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए हैं इनके क्या शेप्स हैं, इनके नेमिंग हमें यहाँ लिखने हैं। ये राउंड है सर्कल, ये रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल। ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल।
Now we are using maths written copy, page number 29, unit 4, shapes and pattern. Exercise 1, question number 1, name the shapes. यहाँ हमें shapes दे रखे, हमें उनके name लिखने. ये हमें कौन सा shapes दे रखा है? Circle का. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? Circle. C-I-R-C-L-E, circle. Next, ये कौन सा शेप दे रखा है? स्क्वायर का. तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर. S Q U A R E, स्क्वायर. नेक्स्ट, ये कौन सा शेप दे रखा है? रेक्टेंगुलर का. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रेक्टेंगल. R E C T A N G L E, रेक्टेंगल. नेक्स्ट, ये हमें कौन सा शेप दे रखा है? ट्राइंगल का. तो हम यहाँ लिखेंगे टी आर आई ए एन जी एल ई, ट्राइंगल. मार्टी एप के ओन डिमांड में मैथ्स रिटन कॉपी में पेज नंबर 29 आपको दिया हुआ है, आपको उसी को देख के वर्क कंप्लीट करना है. Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comments, give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.